परोपकार की ही संस्था से, ये परोपकार की जो भावना वैष्णव जन की है, ऐसे परम वैष्णव श्री नरसिंह जी की, उनकी लड़की के लड़की का विवाह हुआ और भात भरने की बेला आई और ये तो सब बेच बाज के पूरे हो गए थे, तो कैसे किया, इस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रथम बंद श्री गुरु चरण, द्वितीय चंद सब साध, तृतीय बंद पर ब्रह्म दो वाणी विमल अगा, भगत भगति भगवंत गति मो पे लिखी न जाय, दीन दयाल दया करो दीजो मरम बता। भगत बचल प्रभु सारे प्रभु काज, राम जी सारे प्रभु काज, नानी बहने मायने रे ठाकुर जी ने ला, सीता राम जी ने ला, जय जय नारायण हरि हो, जय जय को प्रथम मनाऊं, श्री गणपत को प्रथम मनाऊं, प्रभु चरणन में शीश नवाऊं, प्रभु चरणन में शीश नवाऊं, मातु शारदा से मति पाऊं, मातु शारदा से मति पाऊं, हरि भक्तन को सुजस सुनाऊं, हरि भक्तन को सुजस सुनाऊं, आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं, आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं, नरसी कथा यथा मत गाऊं, नरसी कथा यथा मत गाऊं, नागर वंश बड़े आचारी, नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मजारी, जूनागढ़ गुजरात मजारी, शिव की महिमा बहुत बखाने, शिव की महिमा बहुत बखानी, विष्णु भक्ति सुपने नहीं जाने, विष्णु भक्ति सुपने नहीं जाने, गोधन वृषभ विभव अति भारी, गोधन वृषभ विभव अति भारी, शिव का रथ गज बाजी सवारी, शिव का रथ गज बाजी सवारी, बहु गुमास्ता सेवक दासा, बहु गुमास्ता सेवक दासा, लक्ष्मी बसे सदा दिन पासा, लक्ष्मी बसे सदा दिन पासा, अरब पति धन का नहीं पारा, अरब पति धन का नहीं पारा, गहना राखे दे ये उबारा, गहना राखे दे ये उधारा। बात इतनी सी, आगे चलो, सब ये रिद्धि सिद्धि चली, सब रिद्धि सिद्धि उनके पास चली आई, अरब पति वो थे और इतनी जादगी पुरखा उनके, सबके समुझ की कीर्ति बहुत थी, और उसी समय नरसिंह जी का लगन हुआ, उन्होंने 400,000 रुपए लगाए और कन्या पुत्र शांति और विवाह, बरस 32 पुत्री नगर अंजार विवाह, सबसे पहली पुत्री उन्होंने अंजार नगर में अरबों का विवाह करके और वहाँ विवाही, और बड़ी बारात उनकी धूम से आई, उभय लक्ष्य ता समय लगाए, उभय लक्ष्य ता समय लगाए, शोभा सहित सकल मन भाए, शोभा सहित सकल मन भाए, अगणित द्रव्य भरे भंडारा, अगणित द्रव्य भरे भंडारा, कबहु न कूटे अंतन पारा, कबहु न कूटे अंतन पारा, कभी कोई कोई अतिथि खाली नहीं जाता, इतना द्रव्य लगाया और आराम से अपने अरबपति की जिंदगी जी रहे थे। अचानक श्री नरसिंह जी के जीवन में एक मोड़ आया, एक दिवस मंडली चली आई, एक दिवस मंडली चली आई, उतरे पल मई रुचि पाई, उतरे पल मई रुचि पाई, कथा कीर्तन हर जस की ना, कथा कीर्तन हर जस की ना, नरसी सुने श्रवण चित दीना, नरसी सुने श्रवण चित दीना, चर्चा सुनी भसम सब भाग्या, चर्चा सुनी भसम सब भाग्या, बिगला मन निज तन सब जाग्या, बिगला मन निज तन सब जाग्या, हृदय शुद्ध भया तब चीना, हृदय शुद्ध भया तब चीना, पाया ज्ञान प्रेम रस भीना, पाया ज्ञान प्रेम रस भीना,
कृष्ण भक्ति दृढ़ भई सहाई, कृष्ण भक्ति दृढ़ भई सहाई, नर हरि गुरु कृपा ते पाई, नर हरि गुरु कृपा ते पाई, हरि भजले। नर हरिदास गुरु जी की मंडली आई, ऐसी उन्होंने हरि कीर्तन की हरि नाम का यश सुनाया। उस हरि नाम का यश सुनते ही उनमें वैराग्य जग गया और नरसी जी को ऐसा लगने लगा कि ये मेरा पैसा ही मेरे हरि भक्ति में रोड़ा अटकाएगा, इसलिए उन्होंने उसी समय सब कुछ त्याग करके गए। देखिए हरि नाम का जस कैसा था। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना ना ही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि हरि कहने वाला, हरि हरि कहने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। श्याम कोई कहे सीता राम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीता राम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है, हरि बोल 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 कृष्ण 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 बोल ए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
संत बचल प्रभु सारे सब काज राम जी सारे सब काज नानी मायरे मायरे री ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि लहर उठी बैराग की कर्म भय चकचूर विषय कामना सब मिटी भग गए मोह सब दूर दीनो द्रव्य लुटाए सब द्वादश मास मां देश दशांतर सब सुनी हुंडी चालेना गहना कपड़ा बेच के बतन दिए खवार चित चित बासन और कछु सूंजती गरमा जितने उनके पास सामान था सब बेच बेच के इतनी जोर का वैराग्य भगवान करे हम लोगों में से किसी को एक आध दिन आ जाए पर अभी तक इतना मौका मिला नहीं है। एक ऐसी नरहरी दास जी को गुरु बनाया और नरसिंह मेहता आगे चले और देखे कि सब चीज लुटा दी द्रव्य लुटा दी उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ तो रखिए अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं हरि को भरोसो और कहा मुझे हरि को प्राप्त करना है और श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो उन्होंने सबसे पहले क्योंकि उनके घर में शुरू में ही आया था कि शंकर जी की पूजा बहुत होती थी दम्भ रहित हर हर निर्दम्य उर्द्वन्द वै धर्यो भक्त को वेश दम्भ रहित हर हर महादेव जय हो हर हर महादेव चतुराई आपको पता है भोले बाबा हैं भोले बाबा भंडारी हैं थोड़ा सा उनसे प्रेम करिए और उन्होंने कहा निष्कामी निष्कपट वे निजानंद महने शिव पूजन प्रसन्न भय कयो मांग कछुले जय जय शिव शंभो कहा कुछ मांग भाई प्रसन्न हो गए। अब देखिए इतना कहने के बावजूद भी शिव जी की पूजा उन्होंने नहीं छोड़ी मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल सों स्नान कराऊं मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल सों स्नान कराऊं मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं और आग धतूरा गाऊं मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं और आग धतूरा गाऊं मुख घड़गड़ गाल बजाऊं हड़ हड़ नाथ हसाऊं मुख घड़ घड़ गाल बजाऊं या ते हड़ हड़ नाथ हसाऊं मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं मैं केला पत्र चढ़ाऊं मैं तो ध्यान लगाऊं ले केला पत्र चढ़ाऊं मैं तो जलधारा बरसाऊं मैं अगण बंब मुख गाऊं जय जय भोले सोमनाथ जय जय चंद्र शेखर चंद्र
प्रसन्न भय शिव राजा पर मांगो सारू राजा प्रसन्न भय शिव राजा पर मांगो सारू राजा मुख और कछु ना चाहिए मोहे राधा जय हो मुख और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलिए राधे श्याम राधे श्याम बुद्धि और कुपावे हरि भक्तन को हरि भावे सुन हर्षित भय त्रिपुरारी नाचे गावे दिल तारे सुन हर्षित भय त्रिपुरारी नाचे गावे दिल तारे दिन दिन बोले शिव बानी नरसी को भक्त पिछानी दिन दिन बोले शिव बानी नरसी को भक्त संग सखा ले माए नरसी को लोक दिखाए संग सखा ले थाए नरसी को लोक दिखाए भगत बचल प्रभु सारे सब काज राम जी सारे सब काज धनी पैर मारे ठाकुर जी ने लाए सीता राम जी ने
में बहुत कम लोग होते हैं। भक्त लोग केवल राधा कृष्ण के दर्शन और राधा कृष्ण का कीर्तन मांगते हैं, लेकिन हम लोग तो जो ही अगर ठाकुर प्रकट हुए तो हम कहेंगे हमारे पुत्र हो जाए, हमारे धनधान्य हो जाए, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। लेकिन देखिए नरसिंह जी ने क्या मांगा। नरसिंह जी ने कहा मुझे केवल राधा कृष्ण मिलाइए, और इतनी उनकी लगन और कौतूहल देखकर शिव जी ने उन्हें ऐसे रास में जाना।